नमस्कार, नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आप दर्शकों के डिमांड को देखते हुए आज से हम अपने स्टेट में प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं। आज से प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी। आज से इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और भूगोल से रहेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। सवाल नंबर 1, बिहार के किस स्थान को पाल वंश के शासक गोपाल ने अपनी राजधानी बनाया? ए भागलपुर, बी मुंगेर, सी पटना, डी दरभंगा। इसका सही जवाब है बी मुंगेर। सवाल नंबर 2, बिहार में सबसे निचले स्तर पर कौन सी प्रशासनिक इकाई है? ए नगर परिषद, बी नगर निगम, सी ग्राम पंचायत, डी ब्लॉक। इसका सही जवाब है सी ग्राम पंचायत। सवाल नंबर 3, तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में कहाँ हुआ था? ए राजगीर, बी गया, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब है डी पाटलिपुत्र। सवाल नंबर 4, झंडा गीत किसने लिखा है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्यामलाल पार्षद। इसका सही जवाब है डी श्यामलाल पार्षद। सवाल नंबर 5, हड़प्पा के किस स्थान में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ए धौलावीरा, बी लोथल, सी कलीबंगा, डी आलमगीरपुर। इसका सही जवाब है ए धौलावीरा। सवाल नंबर 6, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? ए काकोरी कांड, बी चौरी चौरा कांड, सी जालियांवाला बाग कांड, डी मुजफ्फरपुर कांड। इसका सही जवाब है बी चौरी चौरा कांड। सवाल नंबर 7, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? ए लोहा, बी जस्ता, सी मैग्नीशियम, डी कोबाल्ट। इसका सही जवाब है सी मैग्नीशियम। सवाल नंबर 8, एक चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। इसका सही जवाब है सी उत्तर। सवाल नंबर 9, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ए पैरासाइट, बी इनटू द डार्कनेस, सी नोमैडलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए पैरासाइट। सवाल नंबर 10, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी और जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है बी कर्नाटक। सवाल नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 22। इसका सही जवाब है बी अनुच्छेद 19। सवाल नंबर 12, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ए 2, बी 10, सी 12, डी 15। इसका सही जवाब है सी 12। सवाल नंबर 13, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत के राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है डी भारत के राष्ट्रपति। सवाल नंबर 14, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर में कौन कौन आते हैं? ए बिजली, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी ये सभी। इसका सही जवाब है डी इनमें सभी। सवाल नंबर 15, इनमें से किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी बिहार। इसका सही जवाब है बी हरियाणा। पिछले सेट में हमारे जिन दर्शकों ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए उनके नाम है संतोष कुमार चौरसिया, मोहम्मद नौशाद अंसारी, नीतीश कुमार सहनी, विजेंद्र क्लासेस, यशवंत आर्य, सौरभ मिश्रा, खुशबू कुमारी, पूजा कुमारी, बबलू शर्मा, एस के राज, नीरज कुमार, काजल कुमारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सबसे ज्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।